नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन फॉर्मेटिक में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीट की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग रिटायर्ड 150 टेबलेट की। जी दोस्तों, इसमें देख लेते हैं क्या एपीआई है, क्या इसका यूज़ है, क्या साइड इफेक्ट है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और इन तक देखेगा वीडियो, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। जी दोस्तों, तो आप आते हैं टॉपिक पर और बात करते हैं डेयरी फार्मिंग रिटायर्ड 150 की। जी दोस्तों, तो डेयरी फार्मिंग रिटायर्ड 150 जो है उसमें जो हम बात करें एपीआई है वो है हमारा इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। ये जो है प्रोलॉन्ग रिलीज टेबलेट है। प्रोलॉन्ग रिलीज का मतलब ये होता है कि ये हमारे स्टमक में जाकर धीरे धीरे रिलीज होगी, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी। एक होता है सस्टेन रिलीज, जो कि बहुत धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं अच्छी तरीके से। प्रोलॉन्ग रिलीज लंबे टाइम तक रिलीज होने वाली मेडिसिन होती है। अगर बात करें हम इसके मैन्युफैक्चरिंग की, इसको जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर करता है, मीन्स ये जाइडस की है। जी दोस्तों, अगर बात करें इसके हम कंपोजिशन की, तो इसमें जो कंपोजिशन है वो है हमारा इटोफाइलिन 115 mg, जो कि और थियोफाइलिन है 35 mg एनहाइड्रस फॉर्म में। इसका फार्मुलेशन जो है वो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग किया गया है। इसमें जो एक फिल्म कोटेड टेबलेट है जो कि प्रोलॉन्ग रिलीज है, उसमें जो इटोफाइलिन 115 mg और थियोफाइलिन जो है 35 mg होता है। जी दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी पैकिंग की, तो पैकिंग में इसमें 30 स्ट्रिप होते हैं, 30 स्ट्रिप होते हैं और एक स्ट्रिप में 30 टेबलेट्स होती हैं। आप स्ट्रिप देख सकते हैं, जो स्ट्रिप कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। डेरोफाइलिन रिटार्ड 150। जी डेरोफाइलिन रिटार्ड 150 ये बैक से देखने पर कुछ इस टाइप से दिखता है और फ्रंट से देखने पर कुछ इस टाइप से टेबलेट दिखाई जाती है, जो कि राउंडेड हैं और वाइट कलर में हैं। अब बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहले बात करते हैं हम फास्फोडाइस्टराइज एंजाइम। फास्फोडाइस्टराइज एंजाइम है जो हमारी एयर वे होता है, एयर पाइप होती है, बाइंड पाइप होती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये जो है डेयरी फार्मिंग रिटार्ड वहाँ पे जाकर क्या करता है, जो फास्फोडाइस्टराइज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देता है। जब फास्फोडाइस्टराइज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, तो जो हमारी बाइंड पाइप है उसकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, मीन्स जिससे क्या होगा, जो हमारा बाइंड पाइप है वो डायलेट हो जाएगा और एयर वे का पासेज प्रॉपर रूप से होने लगेगा, यानी कि ये जो है वो डायलेट कर जाएगी और जिससे एयर वे पास जो है वो आराम से हो जाएगा। इसका जो मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं COPD पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। COPD पेशेंट मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें कि एक हमारा आता है अस्थमा, मीन्स ये अस्थमा को ट्रीट करने के लिए करते हैं। और हम उस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब करेंगे जहाँ पे एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा, एयर पाइप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे हम डेरिफाइलिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। इसे देखा क्या गया है, ये जो है शेड्यूल एस ड्रग है, तो मीन्स ये सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलने वाली मेडिसिन होती है। ये 150 mg में डेरिफाइलिन है, जो कि डेरिफाइलिन रिटार्ड के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी इजली जाइडस की। और इसके कुछ अलग और भी डोजेस हैं, इसकी जो एडल्ट डोज है वो 150 mg है। इनकी एक और पैकिंग भी आती है जिसमें अनकोटेड टेबलेट है डेरिफाइलिन, उसमें इटोफाइलिन 77 mg और थियोफाइलिन हाइड्रेट फॉर्म में 23 mg, मीन्स ये 100 mg में भी आती है। ये डेरिफाइलिन 100 mg में आती है, इसमें टोटल एक डिब्बे में, एक बॉक्स में 50 स्ट्रिप निकलते हैं और एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट्स होती हैं। ये 10 टेबलेट्स की पैकिंग है, जबकि जो डेरिफाइलिन 150 है वो 30 टेबलेट की पैकिंग है। ये डेरिफाइलिन का 100 mg पैक है, ब्लिस्टर पैक है, ये 100 mg में है, ये 2 स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट्स आती हैं। ये डेरिफाइलिन 100 भी आती है, डेरिफाइलिन 150 भी आती है। इन्होंने जाइडस ने क्या किया, डेरिफाइलिन ये लूज़ में भी बनाया है, ये डिब्बी में आती हैं जो कि लूज़ खुली हुई होती है डेरिफाइलिन, ये भी 100 mg ही होती है। इसमें 77 mg इटोफाइलिन और 23 mg थियोफाइलिन होता है। इसके एक डिब्बे में जो है वो 250 टेबलेट्स आती हैं। जिन लोगों को ज़्यादा खांसी आती है उन लोगों में हम डेरिफाइलिन का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें भी जो खांसी होती है, मीन्स
होता है उसमें क्या होता है, बाइन पाइप है वो भी नैरो हो जाती है, जिसको हम डायरेक्ट करने के लिए डेडीफारिन को कम्बिनेशन थेरेपी की तरह यूज़ करते हैं। इसको अदर मेडिसिन के साथ कम्बाइन फॉर्म में हम इसको देते हैं। तो दोस्तों ये डेडीफारिन का ये तो रहा आपका कुछ रिव्यू। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडियन फार्माटेक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करके हमें बताएं और शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे कि ये नॉलेज आपके और आपके दोस्तों को भी पहुंच सके। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडियन फार्माटेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।